1655 में आज के दिन नीदरलैंड और ब्रांडनबर्ग ने सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए। 1709 में आज के दिन सम्राट नाकमिकादो जापान के सिंहासन पर बैठे। 1713 में आज के दिन रूस और तुर्की ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। 1714 में आज के दिन ब्रिटिश रानी एनी ने प्रीमियर रॉबर्ट हेली को खारिज किया। 1836 में आज के दिन दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड शहर की स्थापना हुई। 1888 में आज के दिन फिलिप प्रेट ने अमेरिका में पहली बार बिजली से चलने वाले तिपहिया वाहन का प्रदर्शन किया। 1939 में आज के दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की स्थापना हुई। 1962 में आज के दिन अफ्रीकी नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जेल हुई। 1965 में आज के दिन एडवर्ड हीथ ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बने। 1887 में आज के दिन खोजकर्ताओं ने 1912 में अपनी पहली यात्रा में डूबे जहाज टाइटैनिक का मलबा खोजा था। 1992 में आज के दिन बॉलीवुड अभिनेता अमजद खान का निधन हुआ। 2006 में आज के दिन इंटेल कॉर्प ने कोर 2 ड्यू माइक्रो प्रोसेसर पेश किया। 2015 में आज के दिन भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का शिलोंग में निधन हुआ, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। उन्हें 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1981 में पद्म भूषण, वर्ष 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कलाम को वर्ष 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु दिया गया था। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया।